हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर की इडली। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसे आप जरूर बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पनीर की इडली बनाने की सामग्री है: आधा कप बेसन, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, एक कप पनीर। पनीर बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक कप दही, दो चम्मच तेल, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, दो हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है, एक चम्मच सरसों या राई, 8 से 10 करी पत्ता, नमक स्वाद के अनुसार, शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ आधा कप, गाजर बारीक कटा हुआ आधा कप, आधा कप सूजी और पानी। अब हम बैटर तैयार करेंगे। बैटर तैयार करने के लिए हमने बाउल लिया है और बाउल में हम सूजी डालेंगे, बेसन डालेंगे और दही डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हमने सूजी, दही, बेसन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमें गाढ़ा बैटर बनाना है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ शिमला मिर्च, कटी हुई गाजर, कटा हुआ हरा धनिया पत्ता, कटी हुई हरी मिर्च और नमक स्वाद के अनुसार। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिलने तक मिलाएंगे। देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छे से मिलने तक मिला लिया है और अब हम 15 मिनट के लिए रखेंगे सूजी और बेसन फूलने तक। देखिए, 15 मिनट हो गया है, सूजी और बेसन अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर। देखिए, पनीर को हमने अच्छे से मिला लिया है और हमें गाढ़ा बैटर ही बनाना है। अब हम सबसे आखिरी में डालेंगे बेकिंग पाउडर, ऊपर से 1 चम्मच के करीब पानी। देखिए, इडली के लिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है और अब हम इडली बनाएंगे। इडली के बर्तन में हमने 2 कप पानी डाल दिया है और पानी में उबाल आ गया है। अब हम इडली का स्टैंड लेंगे और तेल से ग्रीस कर लेंगे। देखिए, हमने इडली के स्टैंड में तेल लगा लिया है और अब हम इस तरह से इसमें रख देंगे और कलछी से बैटर को हम स्टैंड में भर देंगे। इसी तरह से हम दूसरे स्टैंड को भी ग्रीस करेंगे और इसी तरह से हम बैटर को भर लेंगे। देखिए, हम दूसरे स्टैंड को भी इसी में लगा देंगे और बैटर को हम भर लेंगे। अब हम मीडियम आंच पर इडली को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो गया है और इडली हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इडली को चेक करेंगे। चाकू लेंगे और इस तरह से चेक करेंगे। देखिए, चाकू हमारा बिल्कुल साफ है, यानी कि इडली हमारी अच्छे से पक गई है। और अब हम ठंडा होने के बाद इडली को स्टैंड से प्लेट में निकाल लेंगे। इडली ठंडी हो गई है और अब हम चाकू के सहायता से इडली को निकाल लेंगे। देखिए, कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी इडली बनकर तैयार है। देखिए, सारे इडली को हमने निकाल लिया है और इडली हमारी बनकर तैयार है। अब हम इडली के लिए तड़का लगाएंगे। अब हम तड़का पैन में 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, सरसों डालेंगे, सरसों चटकने लगी है, करी पत्ता डालेंगे। तड़का तैयार है और अब हम तड़के को इडली के ऊपर से
फैला देंगे इस तरह से। हमने इडली के ऊपर तड़का फैला दिया है और पनीर की इडली बनकर तैयार है। पनीर की इडली को आप नारियल के चटनी के साथ गर्मा गर्म खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।